कि उंगली पकड़ के राजनीति सीखा बाला साहब ठाकरे की, वो उनका नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, वो क्या महाराष्ट्र के लोगों का होने वाला है क्या? उसकी तो राजनीति वो छिछोरे चाले करते फिरता पूरे महाराष्ट्र के अंदर। मैं तो कहते दिल्ली ला प्रकार घड़ला तो मरकज सा असल्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले पाहिजे। ह्याला कसली ट्रीटमेंट देताय तुम्ही? राज ठाकरे कौन है, क्या हैसियत है उसकी महाराष्ट्र के अंदर? सियासत का, राजनीति का एक जीता जागता जोकर है वो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या हैसियत और औकात है उसकी? अरे जिसकी उंगली पकड़ के राजनीति सीखा बाला साहब ठाकरे की, वो उनका नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, वो क्या महाराष्ट्र के लोगों का होने वाला है क्या? उसकी तो राजनीति वो छिछोरे चाले करते फिरता पूरे महाराष्ट्र के अंदर। उसकी आप हर हरकत को देख लो, बिहार के लोगों को मार के हका लो, यूपी वालों को मार के हका लो, मराठी मानुस महाराष्ट्र में रहना, दूसरे लोग महाराष्ट्र में नहीं रहना, टोल नाकों को बंद कर लो, हफ्ते चालू कर लो, ये धंधे उसके। एक उसके पास में कारपोरेटर नहीं है, कोई लोग उसकी बात को कातिर में लाता नहीं, उसको पूरे महाराष्ट्र ने इजी लिया हुआ है। और वो एक नंबर का छिछोरा इंसान है वो, उसकी कोई बात में उसको कातिर में लाने की जरूरत नहीं। खास तौर से विशेष करके मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहूंगा कि इसकी राजनीति खत्म होने को है। इसने देख लिया कि उद्धव ठाकरे साहब को परिस्थिति ऐसी है कि वह सीएम बन गए, तो इसके कलेजे में, इसके कलेजे के अंदर अब ना जाने कौन कौन से दर्द उड़ गए कि भाई मेरे, मैं तो बहुत खाते लग भी था, लेकिन ये कैसे क्या मुख्यमंत्री बन गए, अब ये चले डम 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 मजाने को। दूसरी एक बात मैं राज ठाकरे की खास तौर से कहूंगा, एक बंद इंजन लेके आ गए उन्होंने, अब उसको महाराष्ट्र में धक्का दे होगा, कुछ भी दे, कोई चालू करने को तैयार ही नहीं, इसलिए उन्होंने झंडा बदल के देख लिया, उसने डंडा भी बदल के देख लिया, लेकिन किसी ने पलट के नहीं देखा। अब झंडा ला लिया भगवा, अब तिरंगा बाजू डाल दिए, अब पहले जो तो डंडे के अंदर, जो तो लकड़ी के डंडे के अंदर उनका झंडा था, अब स्टील के रॉड के अंदर आ गया। ये बेतुके बयानबाजी राज ठाकरे सिर्फ इसलिए दे रहा है, उसको मालूम है समाज में काम करने की जरूरत नहीं है, हिंदू समाज में काम करने की जरूरत नहीं है, दलित समाज में काम करने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम समाज तो तेरे को पूछता भी नहीं, हमको तेरी जरूरत भी नहीं है, लेकिन काम करना पड़ता भैया। एक आसान तरीका भी लोगों को मिल गया, लीडर लोगों को, कि आओ हिंदू समाज को गाली दो, मुसलमानों को गाली दो, तबलीग जमात को गाली दो, और हिंदुओं के बहुत बड़े लीडर बन जाओ, इनके बाप की जागीर चल रही, आमदार बन जाओ, खासदार बन जाओ, सत्ता हाथ में ले लो। ये खेल तमाशा बंद होने वाला है। तुम्हारी ये गंदी घटिया राजनीति हो हिंदू समाज के लोग भी समझ चुके। मैं तमाम हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, सिख भाइयों से, मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहा हूं मैं कि कोई प्रतिक्रिया इसको देने की जरूरत नहीं है, ये समाज का बहुत बड़ा कैंसर है। आज ही उद्धव ठाकरे साहब, हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है, उन्होंने कहा है कि गंदा वायरस महाराष्ट्र में फिर रहा है, ये कहा है इसको उन्होंने, ये छिछोरे जोकर को एक गंदा वायरस कहा है उन्होंने, कि ये गंदा वायरस अगर समाज में तृण निर्माण करने की कोशिश करेगा तो कायदे की वचन और कायदे से उसका गला पकड़ लेंगे। बोल के किसको गोली मारने की बात कर रहा, किसको मारने ठोकने की बात कर रहा? कायदे से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर कायदे से बड़ा कोई भी नहीं है। राज ठाकरे ने दिमाग में बात बिठा लेना, बद्देबाजी की बात बाजू रख देना। अरे लोग तेको नहीं पूछ रहे, तेको चुन के नहीं दे रहे, तो मुसलमानों का दोष है इसके अंदर? तू कितनी भी डफली बजा ले उल्टी सीधी, मुसलमानों ने इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। जिसकी हैसियत और औकात ही नहीं है सियासत के अंदर कुछ, उसके पास एक कारपोरेटर नहीं है तो क्या मुसलमान उसको जवाब देके हीरो बनाने वाले क्या? हम भी इतने बेवकूफ नहीं है, सियासत हमको भी समझती है। और उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब उसको दे चुका है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा हिंदू भाइयों से, मेरे दलित भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि आप ऐसे लोगों की खातिर में ना लाओ, ये एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है। इसके अंदर जो जो आदेश हमको आ रहे हैं, जो जो ऑर्डर हमको आ रहे हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आज ये आपदा ऐसी आ चुकी है महामारी की कि हमको एक दूसरे को साथ लेके चलने का टाइम है। ऐसे टाइम पे गंदी राजनीति, घटिया राजनीति की बात करता राज ठाकरे? मैं राज ठाकरे से एक सीधा सवाल करता हूं, बता तूने तेरे जेब से अभी तक कितने गरीबों की मदद करा? बता हिंदू समाज के कितने गरीबों की मदद करा? जेब से एक रुपया खर्चा करने का नहीं है, मुसलमानों ने गोलियां झाड़ा, अमी त्याना ठेचून गाड़ू, अमी त्याना दाबोना। मैंने उसका स्टेटमेंट सुना, उसने कहा कि 14 तारीख तक लॉकडाउन, उसके बाद हम भी देखते तेरे में कितना दम है। नपुंसक तो कुछ भी नहीं कर सकता किसी का, कायदे से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छे सीएम साहब ने इसको करारा जवाब दिया है, हमारे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इसको इसकी हैसियत औकात सब बता दिए। और ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता रख रहे, ऐसे लोगों को बहुत करारा जवाब दिया उन्होंने। आज प्रदेश में क्या जरूरत है, आज देश में किस चीज की जरूरत है, कैसा हम लोगों को इस महामारी से बाहर ला सकते, भूखे प्यासे लोगों को कैसी मदद कर सकते? आज बेचारे 400-500 पैदल लोग किलोमीटर दूर जाने को तैयार है। अरे इनके बारे में कभी किसी ने सोचा क्या? जरा सोचो, समाजों को साथ में लाने के लिए जरूरतमंदों की, गरजमंदों की जरूरत पूरी करने की कोशिश करो। ये थर्ड क्लास गंदी राजनीति अगर जिंदा रहेंगे तो बाद में कभी भी कर लेना, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक तुम जिंदा है राज ठाकरे, जब तक मैं जिंदा है, तुमको राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलने वाला, और तुम समाज के कैंसर है और समाज ही तुम्हारा इलाज करने वाला है। और एक बात याद रखो, हजरत जी मौलाना साहब को जो बेइज्जती से बात कर रहे,
और जो बदकलामी से बात कर रहे हैं उन हर्राफों ने, उन जाहिलों ने, जंगलियों ने, पहले उनकी हैसियत को समझ लेना। अरे तुम उनकी जूते और चप्पल भी उठाने के लायक नहीं है और उठा के साथ साथ के बारे में कुछ भी बोल रहे। अरे ये चार दिन की चैनी तो छड़ जाएंगी, तुमको मालूम नहीं तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, तुमको मालूम नहीं तुमको घटिया और गंदी राजनीति खेल रहे। अरे अपने थर्ड क्लास चैनल चलाने के लिए, अपने थर्ड क्लास चैनल की टीआरपी चलाने के लिए तुम इतनी इतने शरीफ इंसान को, इतने फरिश्ता सिफत इंसान के ऊपर तुम बहुत इल्जाम लगा रहे। ये देश इसको कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं, कोई मसलकत भी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। सब लोग साथ मौलाना के साथ में खड़े, और कोई लोग अगर गंदी राजनीति चल रहे हो तो उन्होंने बाहर आ जाना चाहिए। इससे आपका पूरा नाम बताइए। सैयद आरिफ हुसैनी, मैं एमआईएम का एक नाखिस कार्यकर्ता हूं और मैं लोगों इस वक्त बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है। भाइयों हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे की मदद करो, भूखे प्यासों तक पहुंचो, जो लोगों को जरूरतमंद और गर्जमंद है समाज और इसके अंदर भेदभाव मत देखो मेरे भाई, जो भी है उसको छाती गले से लगाओ। इंसानियत का तकाजा ये कि इंसानियत दिखाने का वक्त है, इंसानियत दिखाओ।